दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के अराकीन हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी, हाजी मोहम्मद अली अत्तारी, हाजी सैयद लुकमान अत्तारी और हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी मदनी काफिला ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा टूल प्लाजा सहरा मदीना में कायम खाल गोदाम का दौरा किया और वहां के इंतजाम का जायजा भी लिया। अराकीन शुरा ने खाल गोदाम पर खिदमत अंजाम देने वाले इस्लामी भाइयों को गोदाम की सफाई सुथराई और खालों को महफूज बनाने के हवाले से रहनुमाई की और इस सिलसिले में दरपेश मसाइल को फौरी हल करने का ज़हन भी दिया। इस हवाले से रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने मदरी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया। कराची सिटी के अराकीन शुरा के साथ जो है वो कराची सिटी में कायम खाल गोदाम के विज़िट हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों की जो कोशिशें हैं उनको जो हमको जमा करना है खालें तो उसकी तैयारी ये अल्लाह की रहमत से जारी है और आशिकान रसूल जो हर साल दावत इस्लामी के साथ भरपूर तआवुन करते हैं तो इंशाल्लाह इस साल भी आपकी खालें हमें मिलेंगी इंशाल्लाह इनको बाहिफाजत पहुंचाने का और जब इस गोदाम पहुंचेंगी तो वहाँ पर नमक लगाने का और इनको सिक्योर करने का ये पूरा निज़ाम जो है वो बनाया गया है। इंशाल्लाह उल करीम आप भरपूर तआवुन भी फरमाएं और हमारे इन इस्लामी के लिए दुआ भी करें कि माशाल्लाह ये अब ईद आने से पहले ही अपने कामों में लग चुके हैं और जो कमी बेशी इंशाल्लाह दो दिनों में मज़ीद इनको फाइनल करेंगे और इंशाल्लाह भरपूर खाले जमा भी करेंगे और इनकी हिफाजत भी करेंगे। अल्लाह सबकी कोशिशें कबूल फरमाए। अराकीन शुरा ने टूल प्लाजा सहरा मदीना में मज़ारात पर हाजिरी दी और फातिहा खानी और दुआ भी की। सवाब अमाल का मेरे तू पहुंचा सारी उम्मत को। बाद में तमाम अराकीन शुरा इस्लामी भाइयों के हमरा कोरंगी कराची में कायम खाल गोदाम भी पहुंचे जहां इंतजाम का जायजा लिया और इस्लामी भाइयों की रहनुमाई भी की। अराकीन शुरा ने इस्लामी भाइयों को खालों को बेहतर अंदाज में महफूज बनाने और मसाइल को जल्द हल करने का ज़हन भी दिया। सदका तुझे